जोहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। रामगढ़ जिला में पुनः एक बार गोली चली। रामगढ़ जिला मुख्यालय क्षेत्र में भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सयाल आजसू ऑफिस में आजसू नेता सह यूनियन से जुड़े सतीश सिन्हा को बाइक से आए अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। उनके शरीर में 4 गोली लगने की बात सामने आई है। उन्हें तुरंत परिवार वालों के साथ रांची अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। आजसू नेता सतीश सिन्हा रामगढ़ के रोशनलाल चौधरी से मुलाकात करके भुरकुंडा होते हुए अपने घर स्थित आजसू ऑफिस में अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे। अचानक अपराधी आते हैं और घटना को अंजाम देकर भागने में सफल हो जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच प्रारंभ कर दी। रात में लगभग 11 बजे हजारीबाग के DIG पंकज कंबोज घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और DIG ने बतलाया CID के टीम द्वारा जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। DIG ने बतलाया कि पूर्व में BGR कंपनी के अधिकारी मल्लिका अर्जुन के हत्याकांड में कुछ पत्रकारों को भी पुलिस ने उठाया था। वहीं पत्रकारों ने DIG से सवाल की, BGR कंपनी के नक्सली संबंधों की बात सामने आई है, तो DIG ने बतलाया कि इस संबंध में कंपनी में भी जांच करने की तैयारी चल रही है। वहीं देर रात 12 बजे रामगढ़ एवं हजारीबाग के SP भुरकुंडा थाना पहुंचे और DIG के आदेश पर निर्देश जारी किया कि जितने लोग अपराध की दुनिया से हैं उन्हें उठाया जाए। धन्यवाद। 60 गांठ का जैसा आप बता रहे हैं, यदि ऐसा कुछ है तो उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, क्योंकि कोई ऐसा तत्काल हम लोगों की जानकारी में नहीं है। जो पहली घटना हुई थी उसमें एक नक्सली संगठन था, उसके लोगों ने ही वो फायरिंग की घटना की थी, और पहले भी यहाँ कुछ लोगों से पूछताछ हुई है। यहाँ के स्थानीय, उसमें कुछ पत्रकार का भी नाम आया था, परंतु चूँकि बाद में उनकी संलिप्तता डायरेक्ट उसमें घटना में नहीं आई, इसलिए उनको छोड़ा गया, पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ा। तो क्या लेवी को लेके है या किसी नक्सली संगठन से उनकी 60 गांठ है, सारे बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे तभी कुछ कह सकते हैं। ठीक, किस चीज़ को लेकर घटना घटी है, क्या कुछ अब तक निकल पाया? ये यहाँ जो अभी तक सूचना मिली है, शाम को 7:30 बजे के आसपास यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कार्यालय यहाँ बना हुआ है, और ये किसी प्रकार के जो यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं, इनके पास लेबर वगैरह लोग आते रहते हैं अपनी समस्या निराकरण के लिए, जो सतीश सिन्हा यहाँ बैठते हैं, तो उनको यहाँ उनके साथ 2 स्टाफ भी था। तो शाम के समय उस समय एक लड़का जो है वो अंदर घुसा और उसने फायरिंग शुरू कर दी उनके ऊपर, ओपन था सामने, तो फायरिंग करने के बाद वो लोग भाग गए। जैसा चश्मदीद का भी कहना है कि एक मोटरसाइकिल थी उसी से 2 लोग थे, एक उतर के अंदर गए और भाग गए। उसके बाद वो यहाँ से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो अभी वो मेदांता हॉस्पिटल में है और जो हमारी वहाँ बात हुई है अभी वो आउट ऑफ डेंजर हैं, तो उनको गोली लगी है, 2 या 3 गोली लगी हैं। अभी डॉक्टर से एग्जैक्ट रिपोर्ट मिलेगी तब बता पाएंगे, तो उनसे भी बाद में हम लोग स्टेटमेंट लेंगे कि कहीं किसी की कोई धमकी या कुछ ऐसा चल रहा था या नहीं चल रहा था। और बाकी अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं रास्तों में, उरी मारी में और सब जगह चेकिंग करने को हम लोगों ने बोला है, चेकिंग चल रही है, तो उसमें देखते हैं कौन लोग आए थे, कैसे आए थे, किस कारण से आए थे। उसमें DG साहब का निर्देश हुआ है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी और रांची से CID की टीम भी आ रही है और FSL की टीम भी आ रही है, तो घटनास्थल को हमने जो है सुरक्षित रख लिया है। घटनास्थल का जो है जितना नमूना वगैरह जो भी, चाहे बुलेट है चाहे ब्लड है, वो सब का हम लोग कलेक्शन करवाएंगे और फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, क्या लगता है ये लेवी को लेकर है, चूँकि इससे पहले भी वो BGR से जुड़े हुए थे, तो क्या लगता है मल्लिकार्जुन की हत्या और इनमें कुछ है क्या कनेक्शन? वो तो जो है हत्या जो कांड हुआ था उसका उद्भेदन हो गया है, तो ऐसा कोई तत्काल हम लोग किसी प्रकार का सूचना दिया नहीं गया है, और इस पे भी जांच करेंगे कि ये क्या BGR से क्या जुड़े हुए थे, क्या काम करते थे, क्योंकि ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। यदि BGR का काम करते तो BGR वालों से पूछताछ करेंगे किस प्रकार का काम कर रहे थे। क्या लगता है सर, ये हत्या जो है किस, हत्या नहीं है, हत्या का प्रयास है, हत्या का प्रयास, हाँ हत्या का प्रयास है, तो जब इसमें जांच होगी, अनुसंधान होगा, तभी निकल के आएगा क्या कारण है उसका। सर, यहाँ पर सर, DIG साहब, BGR कंपनी कहीं ना कहीं नक्सलियों के साथ